अन्नदाता किसानों के साथ सरकार खिलवाड़ करना बंद करें किसान सभा। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को शहीद उदय शंकर भवन स्टेशन रोड समस्तीपुर में बिहार राज्य किसान सभा समस्तीपुर जिला किसान काउंसिल के सम्मेलन नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मनोज प्रसाद सुनील एवं जिला मंत्री सत्यनारायण सिंह के संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समस्तीपुर जिला किसान सभा का सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 2022 को मुहिउद्दीन नगर के डाक बंगला परिसर में सम्पन्न हुआ। जिला सम्मेलन में प्रतिनिधि साथियों के व्यापक किसान आंदोलन खड़ा करने का सुझाव दिए। सम्मेलन में सर्वसम्मति से बाढ़ एवं सूखा का स्थायी निदान एनएच 122B के निर्माण करने, गंगा कटाव से विस्थापित को पुनर्वास शीघ्र करने, कृषि साख सहयोग समिति पैक्स में व्याप्त भ्रष्टाचार, रासायनिक खाद बीज कीटनाशक दवाओं की कालाबाजारी के खिलाफ एवं किसानों का कर्ज माफी, बिहार में समाप्त मंडी कानून को पुनः लागू करने, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने, बिहार सरकार द्वारा गठित बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट लागू करने सहित फसलों के लाभकारी दाम की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर संघर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मनोज प्रसाद सुनील ने बताया कि मोहद्दींग में 11वां सम्मेलन में लिए गए प्रस्तावों के आधार पर से शीघ्र जिला किसान काउंसिल की बैठक बुलाकर आंदोलन की रूपरेखा तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम स्वामी सहजानंद सरस्वती की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और दमनकारी किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। नवनिर्वाचित जिला मंत्री सत्यनारायण सिंह ने कहा कि 13 महीनों के किसानों का संघर्ष, 3 कृषि काला कानून के खिलाफ संघर्ष कर किसानों ने नया रास्ता दिखाया है। संगठन को मजबूत कर समस्तीपुर जिला में बिहार राज्य किसान सभा के नेतृत्व में मजबूत आंदोलन विकसित करेंगे। 2 दिवसीय जिला सम्मेलन में बिहार राज्य किसान सभा का जिला किसान काउंसिल समस्तीपुर में 49 सदस्यीय जिला कमेटी गठित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित किसान सभा के जिला काउंसिल समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष मनोज प्रसाद सुनील, जिला मंत्री सत्यनारायण सिंह, कोषाध्यक्ष रामसेवक राय, उपाध्यक्ष विधायक अजय कुमार, गंगाधर झा, विश्वनाथ महतो, रामाकांत यादव, सिया प्रसाद यादव, यादव एवं संयुक्त सचिव उपेंद्र राय, श्याम किशोर, कमल लाला प्रसाद, रामलखन महतो चुने गए। 11वां जिला सम्मेलन सफल आयोजन करने के लिए मुहिउद्दीन नगर स्वागत समिति को ढेर सारी बधाई देते हुए 11, 12, 13 नवंबर को नवादा में 3 दिवसीय होने वाले राज्य सम्मेलन के लिए 20 प्रतिनिधि चुने गए। समस्तीपुर जिला का 11वां किसान सभा का सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 2022 को मुहिउद्दीन नगर में सम्पन्न हुई। 49 सदस्य हमारी जिला किसान काउंसिल का कल चुनाव हुआ था और जिसके सेक्रेटरी के रूप में सत्यनारायण सिंह जी और अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया। इस सम्मेलन में हम लोगों ने जिला सम्मेलन में निर्णय लिया, 9 तरह के प्रस्ताव हमने कॉन्फ्रेंस में पारित किए। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कि हमारे इस समस्तीपुर जिला के अंदर कई ब्लॉक हैं जो बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित हैं, प्रत्येक साल रहते हैं, खास करके मोहद्दीन नगर, महनपुर और पटोरी के लगभग 24 पंचायत प्रत्येक साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और इसके चलते प्रत्येक साल एक नई स्थिति पैदा होती है कि जो किसान की ज़मीन गंगा की पानी के चपेट में चला जाता है और कटाव के चलते जब वो विस्थापित होते हैं तो वो खेत मजदूर में परिवर्तित हो जाते हैं और कभी ऐसी स्थिति होती है कि जो खेत मजदूर हो गए हैं वह पुनः किसान हो जाते हैं जब गंगा के कटाव का रास्ता बदल जाता है तो फिर उनकी ज़मीन निकल जाती है। लेकिन सरकार इस गंगा के कटाव से विस्थापित का पुनर्वास करने का कोई नीतिगत डिसीजन नहीं ले पाए और यही कारण है कि लगभग 20,000 परिवार कटाव से जो विस्थापित है उसका आज तक पुनर्वास नहीं हुआ। हमारा इस किसान सभा का जिला का सम्मेलन में हमने तय किया है कि गंगा कटाव से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए हमारा बिहार राज्य समस्तीपुर जिला किसान काउंसिल का 11वां सम्मेलन हुआ है, 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न करके और हम लोग आज जिला कार्यालय में पहुंच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बात के लिए कि जो हमारा सम्मेलन हुआ है उस सम्मेलन में विगत कार्यों का हम रिपोर्टिंग करते हुए आगे का हम कुछ लक्ष्य बनाए हैं कि आगे हम किसानों के सवाल पर, न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल पर और खाद की जो कालाबाजारी हो रही है उसके सवाल पर और ख़ास करके पूरे बिहार में अभी जो किसानों का मुख्य केंद्र है पैक्स, जो साख सहयोग समिति है वो किसानों का है, उस साख सहयोग समिति में किसानों के हित में बहुत से योजनाएँ आती हैं, खाद है, बीज है, तमाम चीज़ आती है, लेकिन उसमें पूरी तौर पर
अगर यूरिया की आवश्यकता